दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में कि आप उस एप्लीकेशन को अगर मैं यूज आप करते हैं तो आप अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, जो भी बैंक में राशि पड़ा है मतलब पैसा पड़ा है उसको निकाल सकते हैं, और आधार कार्ड के जरिए ही अपना मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं कि कब आपके अकाउंट में पैसा आया है और कब गया है। ठीक है, तो ये मैं बहुत सारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है और आपको आई डी पासवर्ड कैसे मिलेगा, और आप इसमें कमीशन भी अच्छे खासा कमा सकते हैं, और चाहें तो आप अपना बिजनेस भी इससे खोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप स्पाइस मनी लिखिएगा और उसके बाद सर्च कीजिएगा, कुछ इंटरफेस इस तरह का आएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना है स्पाइस मनी को, जिसे ओपन पर क्लिक करेंगे कुछ इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ अलाउ कर देना है दो चीज में। यहाँ पे आपको मांगेगा एजेंट आईडी और यहाँ पे पासवर्ड। एजेंट आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो जो भी इसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसी से मिलेगा। जैसे कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मात्र आप मेरे से 300 रुपये में इसकी आईडी ले सकते हैं, और अगर मैं आप कंपनी से लेते हैं तो ये 1500 के आसपास इसकी आईडी देती है। तो आप ये सोच लीजिएगा कि आपको 1500 लगाना है या 300, क्योंकि 1500 इसलिए कंपनी मांगती है ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले सकें। ठीक है, जैसे कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो आप मेरे से 300 रुपये में ले सकते हैं। और अगर मैं ज्वाइन कर लेंगे, बहुत से लोग दिमाग चलाएंगे कि ज्वाइन करके आईडी पासवर्ड मंगा लेंगे, 2 महीना भी लग जाता है आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। बट मैं 100% बताता हूँ कि आपको 12 घंटे के अंदर आपको ये आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, अगर आपको 300 रुपये में ये आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, और वो भी मात्र 12 घंटे के अंदर। बट ये ध्यान दीजिएगा कि 10 बजे से पहले डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो शाम तक आपकी आईडी पासवर्ड चला आएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मैं आपसे जो आईडी लिया था वो 24 घंटा भी लग गया था, 32 घंटा, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न था। इसके लिए 24 घंटे या 32 घंटे लगे थे, क्योंकि जब वो 24-32 घंटे लग रहे थे उसके लिए आप सबको मालूम है कि कोरोना के रिलेटिव हर कंपनियों में मुश्किल हो रहा था, और इसलिए वहाँ पर जो हमारी टीम है, वहाँ पर जो स्पाइस मनी की टीम है, वहाँ पर बहुत सारे मुश्किल हो रहे थे, इसके लिए 24-32 घंटा पहले लग गए थे। बट अभी है 8 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा के अंदर आईडी मिल जा रही है। उसके लिए अभी आपको इस नंबर पर ले लेना होगा, तो ले लीजिएगा। तो आपको जब एजेंट आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो आपको इसमें डाल देना है, और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा, फर्स्ट टाइम देखिए ओटीपी आता है, और आपको ओटीपी अपना डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, और जिसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ लुक इसका इस तरह रहेगा, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप मेरे बैलेंस इतना है मेरे अकाउंट में, और यहाँ पे एजेंट आईडी, और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, बैलेंस चेक करना, पैसा निकालना, तो मैं तीनों बता देता हूँ, बैलेंस इंक्वायरी, विड्रो और मिनी स्टेटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, पैन कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं, सब चीज़ पर कमीशन आपको मिलता है जितना आप सामने वाले से, और एक तो और यहाँ पर क्यू आर कोड भी मिल जाता है, आपके अकाउंट में सीधा बैलेंस आता रहेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बैलेंस इंक्वायरी से, और उसके बाद पहले बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, फिर पैसा निकालेंगे, और फिर मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे। तो बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बायोमेट्रिक सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपके पास ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मोरफो का या नहीं होगा तो आपके पास ऐसे होगा, मंत्रा का तो भी मंत्रा का चल जाएगा, जो भी होगा आपको ऐसे रखना जरूरी है। उसके लिए अब आपको अपने क्या करना है, अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है, जो भी है आपके मोबाइल में कनेक्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लिंक करेगा लाइट, देखिए। तो अभी आपका ओ टी जी अगर नहीं होगा तो ओ टी जी यहाँ से सेटिंग जाइएगा, सेटिंग पे, और आपको यहाँ से देखिए लाइट नहीं जला था, ओ टी जी लिखेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बंद है, यहाँ पे अभी चालू होगा तो ब्लिंक करेगा। देखें यहाँ पे अब ओटीपी में ओटीजी ऑन कर दिया, यहाँ पे मेरा डिवाइस रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा मोरफो था, मोरफो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक का होगा आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक का बैलेंस चेक करना है तो मैं इस पर पंजाब पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर नहीं होगा तो आप तो जो क्यू आर कोड होता है इसको भी स्कैन करेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड नंबर को मैं स्कैन करता हूँ, देखिए यहाँ पर आ जाएगा फटाक से, देखिए आधार कार्ड नंबर आ गया, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर में क्या लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद आपको इस पर टिक करना है, और बैंक यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको स्कैन टू चेक बैलेंस पे क्लिक करना है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे लाइट चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फैमिली का देखिए,
उंगली लगवाता हूँ ताकि ये बता देगा बैलेंस कितना है। देखिए आवाज़ किया, ये लाइट बंद हो गया। अब बैलेंस बता देगा कि इसमें अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,009 रुपये बैलेंस है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। और अब मैं बता दूँ कि अब पैसा निकालना है, तो यहाँ पर देखिए विड्रो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर विड्रो यहाँ से भी आ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से भी रहता है APS विड्रो, मतलब पैसा निकालना। ठीक है, तो फिर से आपको अपना अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा या अपना आधार कार्ड को स्कैन कीजिएगा। जैसे कि मैं फिर से अपना स्कैन कर लेता हूँ, जैसे स्कैन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद फिर से आपको जितना भी अमाउंट निकालना है वो आपको फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 5,000 निकालने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं 5,000 फिल कर दिया। उसके बाद मैं इस पर ओके कर देता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन टू विड्रो पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ, जिस अकाउंट से मैं निकालने वाला हूँ, जिस बैंक से मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद स्कैन टू विड्रो पर क्लिक कीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं निकालता हूँ 5,000, और मैं बता दूँ कि इसमें देखिएगा जब 5,000 निकालूंगा तो कमीशन भी मिलेगा, और मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कमीशन कितने मिला है। उसके बाद चलिए मैं कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए लाइट जलेगा। अब मैं अपने फैमिली का उंगली लगवाता हूँ, या अंगूठा या उंगली, दोस्तों में कोई भी उंगली लगाएंगे आपको। देखिए अब ये जो 5,000 है तो वो निकल जाएगा मेरे फैमिली के एक बैंक अकाउंट से, पंजाब नेशनल बैंक से। देखिए कुछ इस तरह का निकल गया यहाँ पे, और 9 रुपया बच गया है। ठीक है, इनके अकाउंट में 5,900 कुछ रुपए कुछ पैसे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 रुपये बच गए हैं। अब चाहे तो यहाँ से हम व्हाट्सएप पे भी शेयर इसे कर सकते हैं। अगर मैं कोई आपका दोस्त यार फ्रेंड का निकाल लें तो उनके व्हाट्सएप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको बैग चले जाना है, और देखिए यहाँ पे मेरा 5,000 था ना, अभी यहाँ पे 10,000 हो गए। अब थोड़ा अभी मैं बता देता हूँ कि मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाला। मैं थोड़ा यहाँ पे हिस्ट्री पर क्लिक कर देता हूँ, आपको मैं पहले बता दूँ कि कमीशन इसमें किस कितना मिला। यहाँ पे देखिए मैंने 5,000 रुपया निकाला। यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 9:37, और यहाँ भी 9:37, ये 38 मिनट हो गया, मतलब कुछ 1 मिनट के आगे हेर फेर हो गया। तो यहाँ पे 5,000 मैंने रुपया निकाला, 7 रुपये इसमें कमीशन मिला। ठीक है, और मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ TDS 26 पैसे TDS हुआ। ठीक है, तो आप अगर मैं पैसा निकालते हैं 5,000 जिससे मैंने निकाला हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 रुपये कमीशन मिला है। तो इसमें अच्छा खासा कमीशन से भी कमा सकते हैं, और चाहे तो आप अपना शॉप अप दुकान वकान खोल के भी कमा सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट का एक ऑप्शन रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको फिर से अपने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। करता हूँ अब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट निकालने वाला हूँ, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर से आप क्या करना है अपना स्कैन करना है। जैसे कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ पे स्कैन करता हूँ, आधार कार्ड आ गया। अब क्या करता हूँ यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिल उल कर लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे उंगली लगवाना है, अपने फैमिली का हो या आपका होगा। अभी देखिए मिनी स्टेटमेंट निकल जाएगा, 100% किसको निकालना है निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे निकल चुका है, कब पैसा आया कब गया। ठीक है, यहाँ पे सारा देख सकते हैं। चाहे तो यहाँ से व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ शेयर हो गया। और जैसे सामने वाला इस पर क्लिक करेगा, यहाँ पे देखिए किसे उनके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सामने कुछ इस तरह का वहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि कब पैसा गया है, कब कटा है, कब निकला है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको फ़ायदा लेना है कि कितना, और देखिए मैं मिनी स्टेटमेंट निकालना होगा तो कोई भी चार्ज नहीं कटा होगा। हिस्ट्री पर जाकर दिखा देता हूँ आपको, देखिए कोई भी यहाँ पर चार्ज कटा है क्या, नहीं कटा है ना। तो आप लोग भी यहाँ से पैसा भी निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी। इसके लिए आपको, अगर मैं आपको ये आईडी चाहिए तो मात्र 300 रुपये में आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वो भी 8 से 10 घंटे के अंदर। तो अगर मैं चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, या व्हाट्सअप करेंगे तो ऑटोमेटिक रिप्लाई देता रहेगा मेरा व्हाट्सअप। ठीक है, रात 24 आवर्स कभी भी आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सअप रिप्लाई देता रहेगा। तो वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।